एक तरफ जहां कोरोना को हराने के लिए सरकार जोरों शोरों से टीकाकरण अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन को लेकर उपजे डर, अंधविश्वास और अफवाहें मुसीबत का सबब बनती जा रही है। देश के कई राज्यों से लगातार ऐसी खबरें आ रही है कि लोग मौत के डर की वजह से वैक्सीन से दूर भाग रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला बिहार के खगड़िया जिले के गांव से भी सामने आया है। जहां ग्रामीणों ने पहले तो वैक्सीन लगाने का विरोध किया और जब अधिकारी उन्हें समझाने पहुंचे तो उनके साथ बदसलूकी करने लगे। इस पूरे मामले का वीडियो भी वायरल हो रहा है। यहां अफवाह की वजह से ग्रामीणों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया। इसके बाद जब अधिकारी समझाने गए तो महिलाएं उनसे बदसलूकी करने लगी। महिलाओं ने अधिकारी की गाड़ी पर न सिर्फ कीचड़ उछाला बल्कि अधिकारी के गार्ड के साथ धक्का मुक्की की, रोड़ेबाजी भी की। अब इन सब के बाद मेडिकल टीम को बिना वैक्सीन लगाए ही वापस आना पड़ा। कई महिलाओं ने यह कहकर वैक्सीन लगाने का विरोध कर दिया कि इससे शरीर को नुकसान होता है। मेडिकल टीम ने ग्रामीणों को लाख समझाया लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं हुए। कुछ लोगों को मोटिवेट करना चाह रहे थे कि वैक्सीनेशन लोग कराएं। इसी बीच एक रीता कुमारी नामक महिला आई और वो बोलने लगी कि टीकाकरण से मर जाता है, आप लोग यहाँ से चले जाइए, भागिए यहाँ से, यहाँ कुछ मत समझाइए। हम लोगों ने उनको बोला कि ये सब अफवाह है, समझाने का भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ देर के बाद वो अचानक से मैंने ये कहने लगी कि यहाँ से भागो, तुम किसी को नहीं समझाओगे, ये सब बोलने लगी। और उसी बीच में मतलब जब हम लोग उसको बोले कि तुम घर चले जाओ तो वो हम लोगों पे मैंने रोड़ाबाजी करना चाहिए, हाँ मैंने गलत व्यवहार करना चाहिए, तो गार्ड के द्वारा रोका गया। तो वो गार्ड से भी मैंने हथापाई करने लगी और उसके बाद फिर वो अपना भागो वो कीचड़ उचर उठा करके हम लोगों के गाड़ी पर फेंकने लगी। उस महिला के खिलाफ हम लोगों ने FIR दर्ज करा दिया है। ऐसा ही मामला कुछ राजस्थान से भी सामने आया है, जहां कई गांव में वैक्सीन को लेकर अफवाह फैली है। लोगों का कहना है कि वैक्सीन लगाने से मौत हो जाती है। यहां के शेरगढ़ गांव में एक अजीबोगरीब सन्नाटा पसरा है। कोविड की वजह से एक पुजारी की मौत ने ग्रामीणों को बेचैन कर दिया। वैक्सीन लगवाने से मौत की अफवाह उड़ी जिसे लोगों ने सच मान लिया और इस गांव में कोरोना से 80 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, लेकिन इन सब के बाद भी वैक्सीन लगवाने से गांव वाले पीछे हट रहे हैं। उनका कहना है कि अगर टीका लगाएंगे तो मौत हो जाएगी। टेस्टिंग अभी तो लोग करवा रहे हैं टेस्टिंग, पहले बहुत घर से बाहर नहीं निकलते थे, क्यों तो वो मौत का डर के भाई खौफ था, एक मौत का भाई मौत का खौफ चल रहा है, क्या करें। टीका लगाते हैं वो आदमी एक भी रिया नहीं, सब मर गए, ठीक है ना। इसलिए हमारे 30-35 यहाँ पे घर है, किसी ने भी टीका लगाया नहीं और नहीं चेक कराया, और 100-150 रुपए कमाते हैं और जब गुजारा चलता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ गांव से भी ऐसी ही खबरें आ रही है। कई गांव में लोग अफवाह की वजह से वैक्सीन नहीं लगवा रहे। यूपी में तो कई जगह लोग वैक्सीनेशन वाली टीम को देखकर गांव से ही भाग गए। सरकार ने साफ कहा है कि भारत में इस्तेमाल की जा रही वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन ही है जो भविष्य में लोगों को कोरोना के बड़े खतरे से बचा सकती है। देश में करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिनमें से कुछ ही लोगों की हालत गंभीर हुई, वो भी उनकी दूसरी बीमारियों की वजह से। कुल मिलाकर ये आंकड़ा न के बराबर है, इसलिए हर किसी को बेखौफ होकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। न्यूज़ तक ब्यूरो।